शेख आसिफ साहब आपसे खिताब फरमाते जमात मालिकों के तमाम हमारे दोस्त शरीफ मेहमान साहब जो मेहमान जमात में सदर है और उनकी बॉडी के तमाम ही सदर और अकीन और मेहमान जमात में तमाम ही नौजवान साथी जो आज 10 टीम बनाकर मेहमान जमात के नौजवानों ने यहाँ पर टूर्नामेंट यहाँ पर आज के दिन आपने करवाया है। मैं आप तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद देता हूँ और शरीफ भाई और उनके तमाम ही साथी तमाम ही सदर और अकीन तमाम ही अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूँ के मालेगांव शहर के अंदर अलग अलग बिरादरियां हैं लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है मालेगांव शहर के अंदर के साल में वक्त निकालकर बिरादरी के नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स गेम करना और आज मैं पहली मरतबा यहां पर आया। इससे पहले भी आप लोगों के कई प्रोग्राम हुए लेकिन अलग अलग बिरादरियों ने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स के लिए अपना वक्त निकाल कर बिरादरी के नौजवानों को देना चाहिए और उनको आगे क्रिकेट हो या स्पोर्ट्स हो या कोई भी गेम हो उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। मैं आज मेहमान जमात के तमाम ही जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया और मालेगांव शहर के अंदर आज वक्तों की जरूरत है कि नौजवानों की हौसला अफजाई करना, नौजवानों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना। इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के हर न्यूज पेपर में या यूट्यूब चैनल पर अगर रोजाना अखबार उठाएगी तो जरूर आपको एक खबर मिलेगी कि फला जगह कैसा उंगली पकड़ी गई, फला जगह गांजा पकड़ा गया, फला जगह फेंसी डील पकड़ी गई, एमडी पकड़े गए। नशे वाली चीज हमेशा कहीं ना कहीं पकड़े जाती रही। इसका मतलब ये है कि शहर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर नौजवान नशा करते हुए बर्बाद हो रहे हैं और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर ब्रेक लगाए, ऐसा नहीं बल्कि समाज के हर बिरादरी, हर वो नौजवान, हर बुजुर्ग, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने बिरादरी के नौजवान, अपने अपने इलाके के नौजवान, अपने अपने मोहल्ले के नौजवान, अपने अपने जमात के नौजवानों की हौसला अफजाई करना, उनके ऊपर तवज्जो देना और स्पोर्ट्स और अलग अलग गेम करवाते रहना ताकि बच्चों को उस जानी तवज्जो ना दे जहाँ पर बर्बादी है, उस जानी तवज्जो देना चाहिए जहाँ पर उनकी सेहत तंदुरुस्त रहे, वो आगे बढ़ सके और उनको हौसला देने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि मेहमान जमात की तरह शहर के अंदर अलग अलग इस तरीके से बिरादरियां स्पोर्ट्स गेम करते रहेगी, अपने नौजवानों को आगे बढ़ाएगी। ज्यादा वक्त को नहीं लेते हुए इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मेहमान जमात मालेगांव शहर जब भी मुझको या मेरे साथियों को आवाज देगा हर वर्ग में इंशाल्लाह हम आपके साना बसाना हर काम में आपके साथ। आज 17 सितंबर 2023 बरोज इतवार MH41 क्रिकेट टर्फ मनमाड़ चौफुल्ले मालेगांव में समस्त मेहमान जमात मालेगांव के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसका मकसद ये था कि नौजवान जो होते हैं ये हर कौम का सरमाया होते हैं और हर कौम का असासा होते हैं, लेकिन आज नौजवान जो है बेरा रवि की तरफ बढ़ रहे हैं, बुराइयों की तरफ बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज समस्त मेहमान जमात मालेगांव ने ये तय किया कि हम अपने नौजवानों को इकट्ठा करें और उन्हें स्पोर्ट्स से जोड़ें। जब नौजवान स्पोर्ट्स से जुड़ता है तो फिर वो नशे से दूर होता है, अपनी सेहत का ख्याल रखता है
और एक इवेंट होता है। आज सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम शुरू है और तकरीबन रात के 12 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा और पूरे मेमन बिरादरी आज यहाँ पर जमा है। तो एक मकसद ये भी था कि एक इवेंट हो, कि कई महीनों हो जाते हैं, हफ्ते हो जाते हैं, लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। एक प्रोग्राम दिन भर का ऐसा रखा जाए कि पूरी बिरादरी इकट्ठा हो जाए, एकजुट हो जाए और आपस में तालमेल रहे, मिल मिलाप रहे, बातचीत रहे, इसलिए भी ये प्रोग्राम किया गया। और बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम में मालेगांव शहर के मिनिस्टर दादा भूसे साहब, एक से मेले आसिफ शेख साहब, सभी सियासी पार्टियों के लीडरान, पुलिस डिपार्टमेंट, हर बिरादरी के सुदूर खाटिक बिरादरी है, दिगर बिरादरी है, वो सब लोग भी तशरीफ लाए। और मेमन, समस्त मेमन जमात मालेगांव के सदर आली जनाब शरीफ मेमन साहब सुबह 10 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुबह 10 बजे यहाँ राष्ट्रगीत पढ़ा गया और मेमन एंथम, जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का एंथम है, वो पढ़ा गया। इसलिए कि समस्त मेमन जमात भी ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के जेर इंसिराम चलती है और हमारी जो यूथ विंग है, जिसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ मालेगांव का, वो भी उसी फेडरेशन के थ्रू चलता है। तो आली जनाब कौमी सदर इकबाल ऑफिसर साहब की एमा पर हमने मेमन राष्ट्रगीत पढ़ा, उसके बाद मेमन एंथम पढ़ा, उसके बाद से ये प्रोग्राम शुरू है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बहुत सारे इंतजाम हुए और बड़ी जोश व खरोश के साथ नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। हम कोशिश करेंगे कि आइंदा बहुत जल्द हम फिर एक बार इस तरीके का प्रोग्राम तरतीब दे सके और फिर एक मरतबा अपनी बिरादरी को इकट्ठा करके हमारी बिरादरी के कामकाज फलाही रिफाही आप लोग देखते होंगे चैनलों के जरिए, कि हमारे सामाजिक खिदमत और गरीबों की मदद का सिलसिला साल भर चलता है। और 11 अप्रैल को मेमन डे के मौके पर भी हमारा बहुत बड़ा इवेंट होता है और ये छोटे बड़े इवेंट होते रहते हैं। आज आप आए, आपने कवरेज किया, मैं जनता जवाब न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ शरीफ मेमन साहब की तरफ से और हमारे हाजी इकबाल ऑफिसर साहब, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के कौमी सदर, इमरान फ्रूट वाला यूथ विंग के चेयरमैन, उनकी दुआएं भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ जो लोग तशरीफ लाए उनका